महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय जिसे ब्रज यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं ये राजस्थान की स्टेट यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और भरतपुर में स्टैब्लिश है इसके अंदर सेशन दो हज़ार के लिए दो के आसपास कोर्सेज़ में एडमिशन ओपन है ये सभी एडमिशन्स ऑनलाइन मोड में होंगे और मेरिट बेस्ड होंगे इस वीडियो के अंदर हम डिटेल लें कौन से कोर्सेज रहने वाले हैं और उनमें एडमिशन का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है आप सभी का स्किल्ड यूथ गुरुकुल के इस एपिसोड में स्वागत है डियर एस वाई अभी आप जो वीडियो की स्क्रीन पे इमेज देख रहे हैं यहाँ पर आपको कुछ लिंक फ्लैश होते दिख जाएंगे इनमें से आपको यहाँ जो ये यह ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म वाला लिंक है इसके ऊपर टच करना है टैप करना है टैप करने के बाद में प्रोसेसिंग होती है और आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाती है इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन की जो लास्ट डेट अभी तक इकतीस जुलाई दो हज़ार तेईस है अगर आप ये वीडियो इकतीस जुलाई के बाद देख रहे हैं तो एक बार यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा हो सकता है डेट बढ़ जाए और आपको एडमिशन का मौका मिल जाए लेकिन जो अभी वीडियो देख रहे हैं इकतीस जुलाई से पहले वो जरूर इसमें एडमिशन ले लें इसके अंदर लगभग दो सौ छियासी कोर्सेज रहने वाले हैं जिनके अंदर एडमिशन ओपन है तो बेसिकली ये कोर्सेज़ एक बार हम ब्रीफ में जान लेते हैं स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि एक से लेके बी ए एम ए एम एस सी एल एल बी एल एल एम बी बी एम एस सी बॉटनी कैमिस्ट्री एम एस सी ड्रॉइंग एम ए ड्राॅइंग बी एस सी ऑनर्स बी पी टी एम एस सी पैरा मेडिकल साइंसेज पी एच डी इन मैथेमेटिक्स पी एच डी इन फिजिक्स बी एस सी लाइफ साइंसेज पी एच डी इन जियोलॉजी पी एच डी इन एनवायरमेंटल साइंसेज बी बी ए ऑनर्स एम बी ए बी एस सी ऑनर्स एल एल एम बी बी एल एल बी एम बी एल एल बी एम ए पब्लिक पॉलिसी पी एच डी इन बुद्धिस्ट स्टडीज़ बी एम ए संस्कृत बी एम ए इन एजुकेशन मास्टर ऑफ आर्ट्स एम ए इन योग ए इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी पी एच डी इन म्यूज़िक ऐसा करते हुए लगभग दो सौ छियासी कोर्सेस के अंदर रहने वाले हैं आइए इन कोर्सेस का जो स्कूल है या इंस्टीट्यूट है उसके अकॉर्डिंग एक बार इनको समझते हैं ये जो कि स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है बेसिकली इसके अंदर डायरेक्ट एडमिशन्स होंगे मेरिट बेसिस के ऊपर मतलब आपकी जो लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम आपने दिया है उसमें जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है और रिजर्वेशन का प्रावधान भी यहाँ पर रहने वाला है तो अभी जो ये यूनिवर्सिटी है इसके अंदर जो कोर्सेज़ ऑफर किए जा रहे हैं सेशन दो हज़ार के लिए वो एक बार हम अकॉर्डिंग टू देयर इंस्टीट्यूट के नाम से जान लेते हैं पहला यहाँ पे बीए के कोर्सेज़ हैं पब्लिक पॉलिसी के अंदर दूसरा यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म है इसमें पत्रकारिता और पत्राचार के कोर्स करवाए जाते हैं जो कि बीए के कोर्स भी हैं और एमए के कोर्सेस भी हैं तीसरा इसका, इसका इंस्टीट्यूट है लिटरेचर का लैंग्वेज का और कल्चरल स्टडीज़ का इसके अंदर बी ऑनर्स हिंदी बी ऑनर्स बुद्धिस्ट स्टडीज़ पी एच संस्कृत जैसे कोर्सेस करवाए जाते हैं चौथा इसका इंस्टीट्यूट है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज का इसमें बी एम एल आई एस पी एच डी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के कोर्सेज़ करवाए जाते हैं और ऐसे ही दूसरे कोर्सेज़ हैं पाँचवा इनके इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री एंड कॉमर्स की है इसमें बी कॉम ऑनर्स एम कॉम पी एच डी बी बी ई बिजनेस इकोनॉमिक्स के कोर्सेज बिजनेस मास्टर के बिजनेस इकोनॉमिक्स के कोर्सेज पी एच डी वगैरह करवाई जाती है छठा कोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है इसमें बी ऑनर्स एजुकेशन पी एच डी एम एजुकेशन करवाया जाता है सातवां इनका इंस्टीट्यूट स्पोर्ट्स साइंसेस का है तो स्पोर्ट्स साइंसेस के जितने भी कोर्सेज हैं बी पी ई एस एम पी ई एस एम एस सी एम ए योगा पी जी डी वाई एम एस एम बी ए पी ई एम एस टी पी जी डी डी एस पी एच डी स्पोर्ट्स साइंसेस वो करवाए जाते हैं आठवां इंस्टीट्यूट जो है वो कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है इसमें बी टेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पी एच डी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस एंड फ़िलासफी जैसे कोर्सेज करवाए जाते हैं नौवा इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का है जिसके अंदर बी टेक सोलर इंजीनियरिंग साइंस टेक्नोलॉजी बी टेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पी एच डी जैसे कोर्सेज करवाए जाते हैं दसवीं जो इंस्टीट्यूट है वो इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंसेज है इसमें एम एस सी बी सी और बी ए पी एच डी के होम साइंस के कोर्स करवाए जाते हैं ग्यारहवा जो इंस्टीट्यूट है वो अप्लाइड साइंसेज का है इसमें बीएससी एमएससी बीएससी एमएससी पीएचडी के कोर्सेज जो कि बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी के हैं वो करवाए जाते हैं उसके बाद हम बात करते हैं uh, इसमें बी फूड टेक्नोलॉजी बी ऑनर्स के कोर्सेज भी करवाए जाते हैं अगला इंस्टीट्यूट जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज है इसमें बी मेडिकल लेबोरेटरी बी एस सी ऑनर्स पैरामेडिकल साइंसेज एम एस सी पी एच डी के कोर्सेज करवाए जाते हैं फोर्टीन नंबर का जो इंस्टीट्यूट है वो लॉक का इंस्टीट्यूट है इसमें बी एनर्स लीगल स्टडीज़ बी ए क्रमिनॉजि क्रिमिनल जस्टिस एल एल बी ऑनर्स हो गया एल एल एम के कोर्सेज हो गए एल एल एम जनरल हो गया इसकी जो स्पेशलाइजेशन है वो यहाँ मैंशन की हुई है एल एल एम एग्जीक्यूटिव हो गया इसमें बी बी एल एल बी के कोर्सेज भी आते हैं आगे हम बात करेंगे स्पेशलाइजेशन जो कि एल एल एम में है वो भी यहाँ मैंशन किया हुआ है पंद्रहवीं इनकी इंस्टीट्यूट जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट स्टडीज एंड ऑन्ट्रप्रनियोरशिप है इसमें बी बी एम बी ए बी ए पी एच डी जैसे कोर्सेज जो कि ग्लोबल बिजनेस और ऐसे ही फील्ड से रिलेटेड है ह्यूमन डेवलप रिसोर्स रिलेटेड है वो करवाए जाएंगे सोलवा जो कोर्स है या इंस्टीट्यूट है वो इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट है इसके अंदर बी एच एम सी टी बी बी एम बी ए पी एच डी जैसे प्रोग्राम जो कि टूरिज्म और होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं वो करवाए जाते हैं सतवा इनका इंस्टीट्यूट आयुष का है इसमें बी वाई एन एस एम एस सी योगा पीएचडी योगा जैसे कोर्सेस करवाए जाते हैं अट्ठारहवा इंस्टीट्यूट जो है वो बायोमेडिकल साइंसेस का है इसमें बीएससी एमएससी पीएचडी जो कि बायोमेडिकल साइंसेस में करवाई जाती है उन्नीसवा इनका इंस्टीट्यूट है नैनो मेडिकल साइंसेज इसके अंदर इंटीग्रेटेड बी एस सी एम वगैरह जो कि नैनो मेडिकल साइंस से रिलेटेड है वो करवाई जाती है बीसवा इनका इंस्टीट्यूट है फार्मास्यूटिकल साइंसेस इसमें बी एस सी बी ए एमएससी एमएचडी पीएचडी वगैरह के कोर्सेज जो कि मेडिकल्स केमिस्ट्रीज हैं वो करवाए जाते हैं इक्कीसवा इनका इंस्टीट्यूट फाइन आर्ट्स का है जिसमें बी एम ए पी करवाई जाती है जो कि ड्राॅइंग म्यूज़िक अप्लाइड आर्ट स्कल्पचर आर्ट एजुकेशन पेंटिंग से रिलेटेड कोर्सेज़ हैं बाईसवा इनका इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक है जिसमें बी पी ए बी एम ए पी एच डी म्यूज़िकफार्मिंग आर्ट्स के कोर्सेज करवाए जाते हैं तेईसवां इनका इंस्टीट्यूट जो है वो एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी का है जिसमें बी एस सी एम एस सी पी एच डी जो कि एनवायरनमेंट सोसाइटी या एनवायरनमेंट साइंसेज से रिलेटेड है वो करवाए जाते हैं उसके बाद चोइस वाइंक का इंस्टीट्यूट जो है वो बेसिकली इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक साइंसेज है जिसमें बीएससी एमएससी एंथ्रोपोलॉजी एमएससी एंथ्रोपोलॉजी बीए मैथमेटिक्स एंड स्टेटिक्स जैसे कुछ कोर्सेज बी और एम ए के और पी के भी करवाए जाते हैं उसके बाद पच्चीस नंबर पर इंस्टीट्यूट ऑफ अर्थ साइंसेज है जो कि बी ऑनर्स रिमोट स्पेसिंग एम रिमोट स्पेसिंग जिसमें एम एस सी जियोलॉजी पी एच डी जियोलॉजी बी एस सी जियोलॉजी एम एस सी जियोलॉजी पी एच डी जियोग्राफी के कोर्सेज करवाए जाते हैं छब्बीस सौ इनका एस्टीट्यूट फॉरेंसिक साइंसेज एंड क्रिमिनोलॉजी है जिसमें बी एस सी एम एस सी पी एच डी के प्रोग्राम जो कि फॉरेंसिक साइंसेज से रिलेटेड है वो करवाए जाते हैं सत्ताईसवें इनका इंस्टीट्यूट है इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंसेज जिसमें बी एम ए पी एच डी एम एस सी एम ए के कोर्सेज जो कि इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट जनरल स्टडीज़ और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड हैं वो करवाए जाते हैं अगला इंस्टीट्यूट इनका इंस्टीट्यूट ऑफ अपलाइड सोशल साइंसेज एंड ह्यूमिनिटीज़ है इसके अंदर बी ए इंटीग्रेटेड बी एम एम ए पी एच डी बी ए, 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 ए सोशल वर्क एम एच डब्ल्यू बी एच डब्ल्यू साइकोलॉजी पी एच डी में एम ए सोशलॉजी पी एच डी सोशलॉजी और सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं इंस्ट्रूमेंटल साइंस के अंदर तो ये कोर्सेज करवाए जाते हैं तो इन कोर्सेज़ की एडमिशन की डेट इकतीस जुलाई दो हज़ार तेईस से स्टार्ट हो चुकी है अब हम जानते हैं इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन का क्या प्रोसेस रहेगा ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट के ऊपर यहाँ जो ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म आ रहा है इस पर टैप करना है टैप करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होता है इस इंटरफेस के अंदर आपको बेसिकली यहाँ पर कोर्सेज़ दिए हुए हैं जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है वो आप यहाँ सर्च कर सकते हैं यहाँ बी के कोर्सेज से ले सारे कोर्सेज वन बाई वन यहाँ पर मैंशन किए हुए हैं आप जैसे जैसे मोबाइल पे स्क्रीन को स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ आपके सामने कोर्स कोर्सेज़ का ऑप्शन आ जाएगा इसके सामने ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है आप इसको यूज़ करते हुए इस पर टैप करके अपना फॉर्म किसी भी नज़दीकी ई मित्र या फिर सी की हेल्प से भर सकते हैं तो यहाँ पर लगभग ये दो सौ कोर्सेज रहने वाले हैं आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं ऐसा था जिसमें हमने एडमिशन के प्रोसेस के बारे में जाना है जितने भी एस वाई जी एन सब्सक्राइबर्स इसमें अप्लाई करने वाले हैं उन सभी को शुभकामनाएं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट किस इंफॉर्मेटिव वीडियो में धन्यवाद